हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम आनंद राव एकेडमी। हमारा ये जलवायु विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम वायुमंडल, वायुमंडल एवं भार, वायुमंडल पवन संचार, कौन कौन सी पवनें होती हैं, वायुमंडल वायु दाब का क्षैतिज वितरण, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वर्ल्ड, एंड वायुमंडल का त्रिकोसी देशांतर संचार, वायुमंडल में आर्द्रता, इन सभी टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सभी एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी के प्री एज वेल एज मेंस के लिए। साथ साथ में हमारे एमबीपीएससी के प्री एंड मेंस के लिए और एसएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। इनमें हम सभी चीजों को, सभी फैक्टर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें हम वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वायुमंडल का जो बेसिकली होता क्या है, वायुमंडल में हम फर्स्ट जो है वायुमंडल होता क्या है, तो वायुमंडल बेसिकली एक गैसों का मिश्रण होता है, जिसकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वो कैम्ब्रियन युग कब था? वो 60 करोड़ पहले हुआ था, 60 करोड़ साल पहले हुआ था। तो उस टाइम पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। बेसिकली इसका एक गैसीय आवरण होता है, इसकी जो मोटाई होती है वो 480 किलोमीटर होती है, मीन्स 300 मील होती है। तो एक इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर उसके बाद इस जो गैसीय आवरण आता कहाँ से है, तो पृथ्वी के अंदर से जो गैसें निकलती उससे ये गैसीय आवरण आता है। तो फिर उसके बाद संरचना हम देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना क्या है, ये किस टाइप से बना हुआ है, इसका जो पैटर्न है क्या है। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज दैट सममंडल एंड सेकेंड इज दैट विषममंडल। सममंडल की जो थिकनेस बोली जाए वो बेसिकली 0 to 80 किलोमीटर है, जिसमें हम क्षोभ मंडल, समता मंडल एज वेल एज मध्य मंडल आता है, एंड विषम मंडल में हमारा ताप मंडल आयन मंडल आता है। एंड लास्ट इज इम्पॉर्टेंट दैट कि जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री पे है, मीन्स 0 किलोमीटर हाइट पे हैं, और आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ती है, तो क्या होता है, हमारा जो वायु की डेंसिटी है, हमारी गैस की डेंसिटी होती है, वो गैस की डेंसिटी जो होती है रो, वो कम होती है, तो मीन्स सघनता कम होती है। तो लेकिन तब भी जो हमारा वायुमंडल है, एक समान गैसों का, मतलब एक आइसोबारिक समान गैसों का, एक समान प्रेशर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है। सिर्फ के जो हमारा ओजोन परत है, सिर्फ वही एक अपवाद है जो 90 to 50 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन बाकी जगह पर सब जगह एक समता मंडल पाया जाता है, मीन्स एक प्रॉपर प्रेशर का, कॉन्स्टेंट प्रेशर का मंडल पाया जाता है। अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट में ट्रोपोस्फियर्स। ट्रोपोस्फियर्स मीन्स क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो 0 to 19 किलोमीटर होती है, 0 to 19 किलोमीटर होती है। इसके बीच में ही हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है, इसी में ही बेसिकली पवन का चलना, बादल, वर्षा, हिमपात, सभी कुछ इसी के अंदर पे होता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण युक्त वायु पाई जाती है, वो यहीं पर पाई जाती है। और हम 0 to 90 डिग्री से पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर लॉस होता है, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर गिरता है। इसकी गिरने की दर जो होती है वो 1000 मीटर में 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो ऑब्वियसली बात है कि 19 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होगा, तो -57 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर होता है। नाउ अब इसकी थिकनेस देखते हैं विभिन्न विभिन्न अक्षांश पे। तो सबसे फर्स्ट में हम विषुवत वृत्त पे देखते हैं, तो विषुवत वृत्त पे जो उसकी हाइट होती है वो 19 किलोमीटर होती है हमारे क्षोभ मंडल की या ट्रोपोस्फियर्स की। फिर हम उसके बाद 45 डिग्री पे जाते हैं, मीन 60 डिग्री पे समथिंग, तो ये 45 डिग्री एंड 60 डिग्री अक्षांश पे जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस होती है या 45 वो होती है 13 किलोमीटर। और फिर उसके बाद हम ध्रुव पे जाते हैं, मीन्स 90 डिग्री पे जाते हैं, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 9 किलोमीटर होती है। तो दिस वन और इसकी जो दो सागर से लेके क्षोभ मंडल था इसकी वो है। ओके नाउ हम अब ट्रोपोस्फीयर हमने कवर कर लिया, अब हम आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में बेसिकली ओजोन गैस पाई जाती है। ये एक्चुअली क्या करती है, ओजोन गैस जो आती है वो सूर्य से आने वाली किरणों को सोख लेती है और हमें फिल्टर करके, एक फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो फिल्टर करके हमें ट्रोपोस्फीयर में सूर्य के प्रकाश को पहुंचाती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 19 to 50 किलोमीटर होती है, मीन 31 किलोमीटर का समथिंग इसकी थिकनेस होती है। तो 19 to 50 किलोमीटर इसका होता है। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर
हमने कवर अप कर लिया। नाउ हम आए मेसोस्फीयर में, मध्य मंडल में, ये सबसे ठंडा मंडल होता है। इसका जो वो थिकनेस स्टार्ट होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक स्टार्ट होती है, और बेसिकली ये इधर पर पाया जाता है। इसको ये पूरा हमारा सबमंडल पूरा कवर हो गया। हम आते हैं हम विषम मंडल में। विषम मंडल में जो हमारा इसकी थिकनेस है, विषम मंडल की जो थिकनेस वो 80 किलोमीटर के अपार्ट स्टार्ट होती है, जो 480 किलोमीटर तक जाती है। इसमें हम थर्मोस्फीयर आता है। इसमें क्या होता है, गैसों का घनत्व हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गैसों का जो रो होती है, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम होता है। तो इसमें गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। मेसोस्फीयर में कम होता है, लेकिन इधर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब इतना ज्यादा, लेकिन क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने के साथ साथ भी इतना गर्म नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पर जो घनत्व है बहुत ही कम है, हमारे जो वायु पार्टिकल है बहुत दूर दूर है, जिससे क्या होता है कि यह मंडल गैसों के मॉलिक्यूल्स की इतनी सघनता ना होने के कारण यह मंडल इतना गर्म होते हुए भी इतना गर्म नहीं होता। ओके, नाउ आउटर स्पेस में हम बेसिकली आयन गैस पाए जाते हैं, इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। आउटर स्पेस में बेसिकली हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो ये विषम मंडल हमारा पूरा कवर हो गया, थर्मोस्फीयर प्लस आयनोस्फीयर। ओके, तो अब हम आते हैं सोलर विकिरण के बारे में, जिसमें सोलर उष्मांक के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम तापमान का क्षैतिज वितरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आनंदराव एकेडमी।